सबसे पहली बात, धन्यवाद हमारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए और आपके रिक्वायरमेंट डालने के लिए कि आपको बिजनेस लोन के बारे में और जानना है। तो जब मैं ये सोचूं कि बिजनेस लोन एज अ टॉपिक इज क्वाइट ह्यूज, तो मुझे एक दो और वीडियोस बनाने पड़ेंगे ताकि मैं कम्प्लीटली बिजनेस लोन का जो कंसेप्शन है अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर कर पाऊँ। लेकिन टू स्टार्ट विथ मैंने ये सोचा है कि वाई नॉट स्टार्ट विद द आउटलाइन ऑफ बिजनेस लोन। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको बिजनेस लोन के जरिए कैसे लोन मिल सकता है फॉर योर बिजनेस। सो टू स्टार्ट विथ लेट्स क्लियर फ्यू मिसकंसेप्शंस जो लोगों में होती है। सबसे पहली बात, जब बिजनेस लोन की बात आती है हम एक बेसिक दो वर्ड से ये जानते हैं कि दिस इज़ फॉर अ बिजनेस। लेकिन बहुत सारे लोगों में या फिर मैंने कस्टमर क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा जो जनरल कस्टमर क्वेरीज देखी हुई हैं, इसमें जो इंसान बिजनेस में है बट एट द सेम टाइम उनको फॉर एग्जांपल आपकी उनकी बेटी की शादी करनी है, सो दे हैव अ क्वेरी, कैन आई टेक अ बिजनेस लोन। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस लोन लूँ एंड अपनी बेटी की शादी में वो पैसे लगाऊँ, या फिर किसी के बच्चे को किसी को अब्रॉड भेजना है एंड दे आर इनटू बिजनेस, दे थिंक दैट व्हाई नॉट टेक अ बिजनेस लोन एंड देन वो पैसे मैं इनको अब्रॉड जाने में लगा था। बट दिस इज़ वेयर यू गो रॉन्ग। बिजनेस लोन इज़ ओनली मेंट टू बी फॉर योर बिजनेस, नॉट योर पर्सनल पर्पस। अगर आपको पर्सनल पर्पस के लिए लोन चाहिए सो ऑब्वियसली एक दूसरा ऑप्शन जो पर्सनल लोन है वो आपके पास है। सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस लोन, प्लीज़ मेक श्योर कि जो ये कंसेप्शन आपके दिमाग में है कि आप बिजनेस लोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे एंड यू विल ट्राई टू मैनेज द मनी हियर एंड देयर, दैट विल नॉट हैपन। वो एक गलत चीज़ होती है। सो मेक श्योर कि अगर आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए लोन चाहिए इन दैट केस ही आप बिजनेस लोन के बारे में सोचें। सो द वेरी नेक्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड एंड शुड कम टू योर माइंड इज कौन कौन से बैंक्स आपको ये सारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं या फिर कौन लोग आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज PSUs। आपको जो PSUs सेक्टर है वो आपको अनडाउटेडली बिजनेस लोन ऑफर करेगा। आपको प्राइवेट बैंक्स ऑफर करेंगी, आपको NBFCs ऑफर करेंगी एंड उसके साथ जो वेंचर डेट कंपनीज है वो भी आपको ऑफर करेंगी। सो नाउ आपने PSU के बारे में सुना होगा, आपने प्राइवेट के बारे में सुना होगा, आपने NBFCs के बारे में भी सुना है। नाउ व्हाट इज़ द लास्ट ऑप्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट? ये भी NBFC के तरह ही है लेकिन यहाँ पर जो रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। दे टेक हाई रिस्क एंड देन दे गिव यू लोन। सो बेसिकली ये चार ऑप्शंस आपके पास है अगर आप बिजनेस लोन के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से लोग कौन कौन से स्टेजेस में बिजनेस लोन के लिए ऑप्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेज जो मेरे या आपके दिमाग में आता है दैट इज़ द इनिशियल स्टेज। मान लीजिए कोई नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, सो इन दैट केस वो एक न्यू एस्टैब्लिशमेंट के लिए बिजनेस लोन ले सकते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज मान लीजिए ऑलरेडी आपका एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, आप ऑलरेडी 4-5 साल से बिजनेस में हैं एंड यू आर डूइंग प्रिटी वेल फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड फॉर द मार्केट एज वेल, तो इन दैट केस आपको इनफ प्रॉफिट्स आ रही है एंड यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश और एक्सटेंड इट मोर, इन दैट केस टू एक्सटेंड योर बिजनेस आपको बिजनेस लोन मिल सकता है। आप अनडाउटेडली उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज यू आर एस्टैब्लिश्ड बट मे बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमी मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा एंड व्हाटसो एवर रीजन आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा है, आपका बिजनेस अभी लॉस में जा रहा है। इन दैट केस ऑल्सो देर आर कंपनीज विच विल, देर आर PSUs प्राइवेट बैंक्स विच विल बी प्रोवाइडिंग यू लोन। सो जनरली हम तीन केसेस में लोन लेते हैं, जब कोई भी इंसान फर्स्ट बहुत ज़्यादा फ्रेश है इस मार्केट में, दे वॉन्ट टू स्टार्ट कम्प्लीटली न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो सेकेंड है कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, दे आर डूइंग प्रिटी मच गुड फॉर देयर फैमिली फॉर द मार्केट फॉर देम सेल्फ, हर चीज़ सही है, प्रॉफिट कमा रहे हैं बट एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू एक्सटेंड देयर बिजनेस। कोई मान लीजिए कोई सेपरेट चेन खोलना चाहते हैं, कोई और सिटी में एक्सटेंड करना चाहते हैं, कहीं और अपना बिजनेस लेके जाना चाहते हैं, तो वो इन दैट केस दे कैन अप्लाई फॉर बिजनेस लोन। एंड द थर्ड ऑप्शन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, अगर आपका बिजनेस लॉस में है और आपको सडन एक रिक्वायरमेंट आती है पैसों की, जहाँ पे आपको पैसे अगर आप देख रहे हैं कि आप दे देंगे तो उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएंगे, वो लॉस आपका फॉर एग्जाम्पल कवर हो जाएगी, इन दैट केस भी आपको लोन दिया जाता है। सो दीज आर द बेसिक 3 कंडीशंस एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन और कब आपको लोन कौन दे सकता है। अगर हाई रिस्क है तो वेंचर डेट कंपनीज आपको अनडाउटेडली हेल्प करेंगी, नहीं तो NBFCs, PSUs एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट बैंक्स है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज बैंक्स, सबसे ज़्यादा चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कोई ऑफर कर सकता है अनडाउटेडली
दे आर द पी एस यूज़। बट बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आप पी एस यू के साथ नहीं जाते बिकॉज आपके मे बी सारे डॉक्यूमेंट्स आर नॉट दैट एट राइट प्लेस, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी एलिजिबिलिटी वो पी एस यू उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नहीं आ रही, देन यू आर ऑल द वे आप एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके आप जा रहे हैं एन बी एफ सीज में। बट एट द सेम टाइम आपको ये बोलना चाहूँगी मे बी अ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बिजनेस लोन मिलेगा एंड प्लीज़ डू यूटिलाइज इट फॉर ओनली बिजनेस पर्पज नॉट पर्सनल पर्पज। ये दोनों चीज़ों के लिए एक अलग सेगमेंट ऑफ लोन्स है जो आप ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ये क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन कौन से लोगों को या फिर किस किस तरीके से आपको बिजनेस लोन मिल सकता है, देन द फर्स्ट आंसर इज मॉर्गेज करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेश होते हैं बिजनेस में, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, सो इन दैट केस जिसको हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं, बैंक्स क्या करती है आपसे कोई मॉर्गेज करती है प्रॉपर्टी में भी या कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी या लैंड और हाउस वॉट एवर यू हैव, या फिर आपको कोई कोलैटरल देना पड़ता है एंड इन दैट केस उसके वैल्यू को देख के आपको लोन मिलता है। सो इस केस में क्या होता है कि बैंक के पास एक एश्योरेंस रहता है कि अगर फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न सिंस यू आर नॉट एक्सपीरियंस यू डू नॉट हैव एनी ट्रैक रिकॉर्ड सम ऑफ द अदर रीज़न अगर आप डिफॉल्ट करते हैं इन दैट केस वो कोप अप कर पाएंगे बिकॉज उनके पास आपकी जो कोलैटरल प्रॉपर्टी है वो है। एट द सेम टाइम जो सेकेंड ऑप्शन होता है, मान लीजिए कोई कोलैटरल नहीं है जिसको हम कहते हैं इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल लोन, अगर आप कह सकते हैं कि वो अनसिक्योर्ड लोन है, वो किस बेसिस पे देते हैं अनसिक्योर्ड लोन आपके हिस्ट्री पे दिया जाता है। अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है एंड दे सी दैट इफ़ वी प्रोवाइड दिस लोन टू द कस्टमर अनडाउटेडली दे आर गोइंग टू एक्सपैंड मोर एंड वो और ज़्यादा लोन आगे जाके लेंगे एंड दे विल एक्सटेंड देयर वेंचर मोर। सो इन दिस केस आपका जो कोलैटरल है वो यूज़ नहीं होता, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यूज़ होती है। And the third scheme, which is very much important, is the credit schemes which are given by the government. So, government ke instruction ke hisab se har government bank ko, PSU and private banks ko ek set of they encourage. Government encourages these banks to provide loan. And wo ye bhi karte hai ki in case these people are not giving you the money, government is the person who will be completely closing on the loan. एट द सेम टाइम आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये दिक्कत गवर्नमेंट हमारे तरफ से क्यों उठा रही है, एंड इफ़ आई से अबाउट इनिशिएटिव, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों को एनकरेज करने के लिए जिनको एक खुद का वेंचर चालू करना है, जिनको खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, दे वॉन्ट टू एस्टैब्लिश, दे वॉन्ट टू ब्रिंग अप द फैमिली इन अ गुड मैनर, अगर वो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश फैमिली से बिलोंग नहीं करता एंड देन ऑल्सो दे हैव द थिंग इन देयर माइंड कि नो आई हैव टू डू समथिंग ऑन माई ओन। सो फॉर दोज पीपल गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नो दैट अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटू होंगे इन दैट केस इकोनॉमी भी हमारी हाई जाएगी। सो गवर्नमेंट का सपोर्ट है अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोलैटरल है इन दैट केस अनडाउटेडली यू कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है अनडाउटेडली यू हैव द सेकेंड ऑप्शन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन अगर आपके लिए क्लोज हो जाता है हमारे लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो हमेशा रहता है द गवर्नमेंट स्कीम्स विच विल अनडाउटेडली वर्क फॉर यू। अभी ये समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास सारे जो कोलैटरल है जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए आप देंगे वो भी है आपके पास और या फिर आपका बिजनेस भी प्रॉफिट में चल रहा है या फिर आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यू हैव ऑल द गुड रीजंस विथ यू जिससे आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, इफ़ इट इज़ लो, देन एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। सो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में ऑलमोस्ट जब भी क्रेडिट के बारे में कुछ बात आती है क्रेडिट स्कोर के बारे में स्पेशली मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप मेक श्योर दैट यू मेक द पेमेंट्स ऑन टाइम बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है। जब भी आप कोई लोन के लिए जाएंगे, जब भी आप होम लोन, पर्सनल लोन, कोई व्हीकल लोन एक्सेट्रा, वॉट एवर लोन यू ऑप्ट फॉर, आपका क्रेडिट हिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एलिजिबिलिटी के लिए। ये समझने के लिए एज अ बैंकर कि कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन एंड कैन आई गिव द लोन, बिकॉज अगर आपके क्रेडिट हिस्ट्री में ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप आपका लोन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, आप हमेशा लेट पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप दो तीन महीने से पेमेंट कर ही नहीं रहे, ऑल दीज आर वेरी मच गिव्स यू अ वेरी बैड इम्प्रेशन टू द बैंकर्स। तो वो ये सोचेंगे कि मैं ट्रस्ट करके इस इंसान को कभी लोन नहीं दे सकता हूँ बिकॉज द हिस्ट्री सेज इट ही विल नॉट गिव मी बैक माई मनी।
सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे पेमेंट्स टाइम पे करें. आपके अगर क्रेडिट कार्ड्स हैं, मेक श्योर आप रिमाइंडर सेट करें. यू हैव द थिंग्स इन योर प्लेस, आप उसको प्रायर पेमेंट करें, आप ऑन डेट पेमेंट करें, बट डू नॉट डिले द पेमेंट बिकॉज दैट इफेक्ट्स योर स्कोर. अगर कोई और लोन है आपका, पर्सनल लोन है, अ स्मॉल पर्सनल लोन या फिर लार्ज अमाउंट, व्हाट्स एवर इट इज़, मेक श्योर द पेमेंट्स आर मेड ऑन टाइम. बिकॉज ऐसा भी हो सकता है लाइफ में कभी आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर इधर, या फिर आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है आपके बिजनेस को एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर अ बिजनेस लोन, या फिर फॉर एग्जाम्पल फॉर सम रीज़न आपको पर्सनल लोन चाहिए, लेकिन इन दोज केसेस आपको नहीं मिलेगा बिकॉज योर क्रेडिट स्कोर इज़ नॉट गुड. सो विद दिस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे कोई नए बात और नए टॉपिक के साथ. तब तक मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. और कोई भी कंफ्यूजन है, अगर कोई भी क्वेरी है व्हेन इट कम्स टू फिनेंस, तो प्लीज़ गेट बैक टू अस. हमारे इंडियन मनी के टोल फ्री नंबर पे एक मिस कॉल करें बस, 0226181611 हमारा टोल फ्री नंबर है. एक मिस कॉल की बात है बस, आप मिस कॉल करें और हमारे मनी डॉक्टर्स आपको कॉल करके सब कुछ क्लैरिफिकेशन करेंगे. धन्यवाद.